खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर में डेयरी पानी के वाटर हाउस के लिए जमीन मिल गई है, 24 एकड़ जमीन और उसका नक्शा भी तैयार हो गया और बहुत ही जल्दी अप्रैल में ये काम शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द उम्मीद करेंगे कि शहर को डेयरी पानी का पीने का पानी मिले। एक जो कलोठा खाई जो घग्गर नदी के ऊपर पुल है उसका जब रैली हुई थी मुख्यमंत्री जी की हमारी 2016 में उसमें घोषणा हुई थी और वो पुल काम शुरू हो गया, शुरू हो गया आगे टीम सारी चीफ इंजीनियर बोला वो पुल के लिए, कल भी चीफ इंजीनियर पुल के जो विधायक जी जो लोगों ने ये पार्क में एक्सरसाइज जिम वाली मशीनों की मांग उठाई है, कब तक इसे आप पूरा कर देंगे? बहुत जल्दी पूरा करेंगे इसे, अभी थोड़ा सा हमारे नगर पालिका में कमी थी अफसरों की, अभी सेक्रेटरी के भी ऑर्डर हो गए, जे भी आ जाएंगे और जल्दी इनमें लगा दी जाएंगी। लोकसभा जो है वो विकास की बहुत जबरदस्त जो है गति पकड़ेगा, जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जो है इस इलाके का विकास कर रहे हैं और हमारे रतिया से विधायक जी हैं वो जो रतिया के लिए लगे। मैडम एक हरियाणा में पार्कों में एक्सरसाइज मशीनें लगाई गई हैं लेकिन रतिया में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है कि ये जो जिम जो लगाए गए हैं जो पार्क में जो जिम लगाए गए हैं अगर रतिया में ऐसा नहीं है आपको लग रहा है तो विधायक जी को कह के तो लगवा देंगे, कोई ऐसी बात ही नहीं है। 5 करोड़ रुपया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा में हर विधायक को दिया, आप ये देखिए लोकसभा के 9 विधानसभा के लिए तो हम सांसद के पास 5 करोड़ रुपया है और जो हमारे विधायक हैं उनके पास 1 विधानसभा के लिए 5 करोड़ रुपया, इससे ज़्यादा जो है मुख्यमंत्री जी किसी विधानसभा के लिए क्या कर सकते हैं। और इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारी पार्टी का विधायक है या नहीं है, हर विधानसभा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वहाँ पर 5 करोड़ रुपया वहाँ के विधायक को मिलेगा, वहाँ के विकास कार्यों को गति देंगे। एक छात्रों को कॉलेज में जाने के लिए एक बस की समस्या आ रही है, इसको लेकर छात्रों ने कई बार बस स्टैंड के गेट भी बंद किए हैं। हाँ नहीं, मेरे संज्ञान में ये बात आई है, मैंने भी देखा था और उसके बाद मैं जीएम साहब से बात करके और कोशिश करेंगे और विधायक जी से भी बात करी होगी, नई बसें तो आ रही है उसमें हम बच्चियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए इस बात की पूरी कोशिश करेंगे। रेलवे लाइन के लिए ऐसा है कि मैं एक सांसद होने के नाते मैं लोगों के और केंद्र सरकार में जो हमारे मंत्री हैं उनके बीच में एक ब्रिज का काम करती हूँ, तो मैंने खुद जो है वहाँ पर जितने भी जैसे जो हमारे लोग थे वहाँ के समिति को मैंने कहा कि जी आप आइए और आके आप मंत्री जी से मिलिए, सीधा मैंने डायरेक्ट उनको मंत्री जी से मिलवाया। उसके बाद जहाँ कहीं पर भी कोई टेक्निकल अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अगर पूरे इंडिया के अंदर अगर कोई नॉर्म्स बनाए हुए हैं उस नॉर्म्स में अगर हम फिट नहीं होते हैं तो दिक्कत की बात है, लेकिन जहाँ कहीं पे भी नॉर्म्स जो हैं वो हमें उस चीज़ के लिए जो है अगर वो पॉजिटिव हमारे उसमें रहेंगे तो मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकती हूँ। अब बहन जी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, मेन एजेंडा क्या है? देखिए ऐसा है कि जो बजट सेशन था, बजट सेशन के बाद पहली बार जो है मेरा लोकसभा में अपने क्षेत्रीय संसदीय क्षेत्र में आना हुआ, तो मेरी ये कोशिश है कि मैं सभी को इस बारे में अवगत करवा सकूं कि हमारी जो केंद्र की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या कुछ जो है बजट में अब की बार जो है हमारी आम जनता के लिए किसानों के लिए मजदूरों के लिए किया है उसके बारे में मैं सबको अवगत करवा सकूँ, खास सारा जो यहाँ के कार्यक्रम हैं उसके बारे में भी मैं बता सकूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बजट पर मुझे भी बोलने का मौका मिला और मैंने जब इसको हिस्ट्री को देखा तो आप हैरान होंगे कि इससे पहले आज तक कभी भी इतना बजट जो है वो हमारे कृषि के लिए एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन के लिए नहीं दिया गया जितना अब की बार जो है 2020 के बजट में हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने दिया। 2013 में 27,000 करोड़ रुपया जो है वो कृषि के लिए था लेकिन अब की बार जो है 2,83,000 करोड़ रुपया, कितना गुना कर दे आप देख सकते हो, वो कृषि के लिए हमारे किसान भाइयों के लिए और इरिगेशन के लिए जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने दिया। और इसमें आप हैरान होंगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हम बात करें चाहे सोलर पावर प्लांट लगाने की, चाहे गोबर गैस प्लांट लगाने की, बायोमास प्लांट लगाने की, ताकि जो हमारा एक आम किसान है उसको फ़ायदा पहुँच सके। सरकार की जो कोशिश है कि किसान की जो आय है वो दुगनी हो जानी चाहिए, उसके अंदर ये बहुत ज़बरदस्त जो है एक मैं कहूँगी कि कोशिश है हमारी सरकार की और इसीलिए इतना बजट हमारी सरकार ने जो है कृषि और इरिगेशन में दिया। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने माइक्रो इरिगेशन की तरफ बहुत फोकस किया है कि हमें, और इसीलिए आप देखो पहली बार जल संसाधन मंत्रालय जो है वो बनाया गया है जिसमें हमारे गजेंद्र जी जो हैं आदरणीय गजेंद्र जी वो उसमें केंद्रीय मंत्री हैं,
तो जितने भी कम से कम भी 100 ऐसे जो स्ट्रेस वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके अंदर जो है वो पानी की दिक्कत है, कमी है, जिसके अंदर हरियाणा के भी हमारे कुछ जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उन पर खास ध्यान जो है वो सरकार का दिया जाएगा।